आप सभी का स्वागत है इस चैनल में और हम बात आज करेंगे श्री के वी जंडियाल से, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जम्मू कश्मीर के अलग अलग पदों में रहेंगे और अभी भी बहुत ज़्यादा सामाजिक गतिविधियों में आप बहुत ही सक्रिय हैं। सर आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चीज़ है और मोदी जी ने तो कहा था लाल किले में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर राष्ट्रपति शासन में भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि भ्रष्टाचार में बहुत ज़बरदस्त कोई कमांड है। बड़े बड़े मगरमच्छ भी घूम रहे हैं। अब के वी जंडियाल साहब एलजी का आ गया है और अभी चुनाव तो नहीं, वही कमांड करेंगे और सीधा ना खाऊंगा ना खाने देके नीचे अब काम करेंगे। क्या मान लिया जाए कि अब भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो उखाड़ कर की जाएंगी? नुभोगी साहब आपने बात तो ठीक कही, लेकिन मेरा ख्याल है कि भ्रष्टाचार के बारे में ये हमारा एक नेशनल एक फिनोमिना बन चुका है, हमारे डीएनए में है कि चोरी और चक्की ये करना, ये पूरे हिंदुस्तान में चलता है। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी के मंत्री जो हैं वो साफ सुथरे रहे, मेरे भी ख्याल कि वहाँ पर नीचे हर जगह पर ये भ्रष्टाचार नहीं है इसका कोई दावा कर सकता है। पॉलिटिकल जो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी की बात करें तो शायद का ठीक है। भ्रष्टाचार हर रियासत में है, हमारी रियासत में है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे जो भूतपूर्व जो गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने हमें रियासत को बड़ा बदनाम किया, जगह जगह जाके कहा कि बड़ी चोरी है, यहाँ पर चोरों को निकाला नहीं बाहर उन्होंने। वही बात अपने एक साल के अपने दौरे हुकूमत में वो बता दें कि किसको पकड़ा आपने, छोटी छोटी मछलियों नहीं, वो उनका काम नहीं, वो तो वैसे पकड़े जाते थे, पटवारी पहले भी जाते थे आज भी पकड़े जा रहे हैं। एक ही रहा जो जेल के बैंक के चेयरमैन, लेकिन जिस धमाके से उसको हटाया गया तो ये तवक्का रखी जाती थी कि उसे पकड़ा जाएगा, FIR दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई और मगरमच्छ वहाँ होंगे उस दायरे में वो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन वो वहाँ का वहाँ ठप हो गया, आपने चेयरमैन को हटा झूठ दिया, तो उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया वो वही जाने, जाए वो एंटी करप्शन वाले जाने जिनका ब्यूरो का काम था। तो बात यही निकलती है कि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन उसे पकड़ना और उसको पाए तकमील तक ले जाना वो दूसरी बात है। जंडियाल साहब सब कुछ सेंटर में है और सब कुछ सेंटर तभी भी जब यहाँ राष्ट्रपति शासन था, पूरी होम मिनिस्ट्री या पूरा केंद्र सरकार इसमें एक नजर थी, इसमें सेंटर और इसकी बात नहीं है, कमान तो क्या करना ना, वो यहाँ के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये उनका काम है। ये अभी मैंने कहने की बात है, मैंने कहा उन्होंने बदनाम हमें जरूर किया, लेकिन बदनामी के बाद ये नहीं बताया कि हम कितने चोर हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कितनी चोर है। मैं कहना नहीं चाहता जो जिनके खिलाफ केस है उनको आपने तो मंजूर नजर रखा है, बिल्कुल, और कई महत्वपूर्ण तो है, इसलिए वो बातें ठीक हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा है हंगामा है, यहाँ पे इतने बड़े स्कैम्स हैं जम्मू कश्मीर में जिसे हम मार्केटिंग कर सकें। लेकिन इतना झूठ है कि जो अब के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं ही इज कंसिडर्ड मैन ऑफ इंटेग्रिटी तो सुनने में आया, और चूंकि अब ये यूटी है लिमिटेड है, होम मिनिस्ट्री की यहाँ पर पूरा फोकस रहेगा, और मेरा ख्याल है कि जो पकड़ा जाएगा या जिस पे कोई केस बनेगा वो बचने के चांस उसके कम होंगे। एक उम्मीद बन गई और जिस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर, चूंकि अभी सियासी हुकूमत नहीं है तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। दर्शकों जिस शिक्षण में के वी जंडियाल ने जिन बातों पर साफ साफ बात की और पूरे ताल ठोक के बात की और बताया पीछे क्या हुआ, मगर अब आशावादी जंडियाल साहब भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं कि अब यूटी के अंदर जिस तरीके की कमान चल रही है और जो एलजी आए हैं वो बहुत कुछ करेंगे। आशा है जब बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे, एक बार पुनः तब हम उससे पहले भी श्री के वी जंडियाल को इसी चैनल में आपके लिए लाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी लेते हैं इजाजत, नमस्कार।
सुपरकित इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपी J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet. Are you suffering from any type of skin disease? Do you lose your confidence because of your baldness? Do you want to remove your tattoo, unwanted hair or black moles without any surgery? So here is Shine and Glow. Come and meet Dr. Amit Ved, laser aesthetic and cosmetic surgeon.